जय हिंद बिरबन। देखो भाई, आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखिए भाई, आज की वीडियो में ना मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बना के बता दिए हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं केवल आपको वही बताऊंगा जो आपने पोल किया है ना, आपने जो रिस्पॉन्स किया है ना, आपने जो स्कोर बताया ना, उसी के बेसिस पर मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। और देखो भाई, ये सारी बात अभी आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे। देखो, आज एयरफोर्स के सारे इंटेक में इतनी जो है परेशानी किसी भी भाई को नहीं होती है, लेकिन ये जो इंटेक है ना 01/2023 वाला भाई, ये काफी गुमराह किया हुआ इंटेक है। इसमें कुछ यही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि वैकेंसी कितनी है, यही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कितने बच्चों को ग्रीन कार्ड मिला है, यही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कितने बच्चों की फाइनल ज्वाइनिंग हो रही है, कितने को कहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन फाइनली मैं आज की वीडियो में आपको सारा कुछ डाउट आपके लेकर के आया हूँ, सारी बातों पर बात कर लेंगे। और देखिए, मैं अपने से कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियोज वगैरह बना के डाली हुई है, तो आप वहाँ पे जाकर के भी चेक कर लेना। और आज की वीडियो से जो डाटा आपको दिखाने वाला हूँ ना, उससे भी आप मैच करके देख लेना, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि भाई अपने एंड से कुछ भी नहीं बता रहा। जो डाटा सारा कुछ निकल के आ रहा है ना, वही सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, मैं सारी बातें आज आपको लाइव दिखाऊंगा, आपकी स्क्रीन पर मोबाइल की स्क्रीन पर लाइव सारा कुछ दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखो भाई, लिटरली आपको सारा कुछ आज की वीडियो में जो बताऊंगा ना भाई, अब आप भरोसा कर ले रहे हो। मैं कोई भी ऐसा रीजन नहीं रखने वाला हूँ भाई कि आपको ऐसा लगे कि भाई हो सकता है कि ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ा रहा है, इसके खुद के मार्क्स कम है, या तो ये रीजन हो सकता है, या फिर बहुत सारे भाइयों को ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए सारा कुछ कर रहा है। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो रियलिटी है ना भाई, अब आप कैसे भी समझ लो, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको आज की वीडियो में वही बात करूंगा जो मेरे को लग रहा है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि मेरे को लग रहा है कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जानी चाहिए, जो लग रहा है ना, जो हो सकता है वही मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, चाहे आप बॉयज कैंडिडेट हो चाहे आप गर्ल्स कैंडिडेट हो, पहले तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना, क्योंकि भाई देखो, मेरे को कोई डाटा ऐसे नहीं पता चलता है कि मैं कहीं से मेरे को किसी ने बता दिया कि कट ऑफ कितनी जाएगी, या मैं सोच समय मेरे को सपने में आ गया कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं आपको बता दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने रिस्पॉन्स किया, जो डाटा दिया है ना, उसके बेसिस पर मैं बताऊंगा, और वो सारा कुछ डाटा भी मैं आज की वीडियो में आपको दिखा दूंगा। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक पोल आपको शो हो रहा है, ये जो एक्स ग्रुप के बॉयज कैंडिडेट्स का पोल है, ठीक है। एक बार इस पोल को अच्छे से देखना और आप खुद से एनालिसिस करके मुझे बताना कि ये पोल में क्या कुछ हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ऑनलाइन एजुकेशन वाले भाइयों ने जो पोल किया था, मैंने इसे अपने पर्सनली अपने चैनल पर भी शेयर कर दिया था, और मैंने पर्सनली भाई 2-3 वीडियो बना करके भाइयों को बताया था कि इसमें जाकर के पोल कर दो। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी भाई इसे अपरिचित होगा, यानी कि उसने पोल नहीं किया होगा, हर किसी ने इस पर पोल कर दिया है, ठीक है। तो देखो, एक बार इसको अच्छे से देख लेना, और इसमें भाई ने क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपने एयरफोर्स की सारी स्टेट क्लियर कर ली है, यानी कि आपके पास ग्रीन कार्ड है, तो अपना स्कोर आप शेयर करो, अदरवाइज आप पोल चेक का ऑप्शन है। देखिए, पोल चेक पर 1038 भाइयों ने इस पर पोल किया हुआ है, 1038 ने पोल चेक, यानी कि वो 1038 ऐसे भाई हैं जो ये चेक करना चाह रहे हैं कि हम क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो हम पोल चेक कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने पोल चेक किया हुआ है, तो अब देखना आप जो है स्कोर को एक बार यहाँ पे देखना, एयरफोर्स बॉयज कैंडिडेट्स की एक्स ग्रुप की मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले 11% पोल है, जिसमें केवल भाई ने एक नंबर बढ़ाया हुआ है, ठीक है, एक नंबर बढ़ाया हुआ है, यानी कि 39.5 से 40.5 तक इन्होंने स्कोर रखा है, यानी कि एक्स ग्रुप का एक नंबर बढ़ाया है। और इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं, 294 कैंडिडेट्स हैं, केवल एक नंबर बढ़ जाएगा ना मेरे भाई, तो 300 कैंडिडेट्स केवल एक नंबर से आउट हो रहे हैं एक्स ग्रुप के अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी आगे देखना 12% भाइयों ने पोल किया है जिनका स्कोर 40.75 से लेकर के 42 के अंदर है। देखो, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं केवल वही बता रहा हूँ जो आपने डाटा दिया है ना, मैं केवल वही बता रहा हूँ। और मैं ये भी बात है यहाँ पे आपको बता दूंगा कि कितने भाइयों ने पोल किया है, इतने भाइयों के पास ही ग्रीन कार्ड है, या कुछ ने एक्स्ट्रा भी यहाँ पे पोल कर दिया है, पहले वीडियो को लास्ट तक देखना। अब देखो, जो दूसरा ऑप्शन है ना, जिसमें भाई ने पोल रखा है 40.75 से लेकर के 42 के नीचे, तो इसमें कितने भाइयों ने पोल किया है, 12% है, यानी कि 321 ने इसमें पोल कर दिया, ठीक है। तो यानी कि 42 तक अगर आप स्कोर को लेकर के जाओगे ना, तो लगभग कितने कैंडिडेट्स हो गए जी, 321 और 294, लगभग 600 स्टूडेंट्स आप मान के चलिए, है ना, लगभग दो नंबर अगर आप कट ऑफ को बढ़ाओगे ना, यानी कि 42 तक स्कोर को लेकर के जाओगे ना, यानी कि 2.5 नंबर अगर आप कट ऑफ को बढ़ा दोगे, देन डेफिनेटली आप मान के चलो यहाँ पर कितने 600 कैंडिडेट्स आउट हो जाएंगे एक्स ग्रुप के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देख लो, अब में से बहुत सारे ये बोलेंगे कि भाई टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं एक्स ग्रुप के अंदर और कितनों ने पोल किया है, वो देख लो, टोटल पोल किया है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 2755 भाइयों ने इसमें पोल किया है, जिसमें से 1038 भाई ऐसे हैं जिन्होंने पोल को चेक किया है केवल और केवल। अब इसमें से आप इसको घटा लो, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो कितने भाइयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब देखो भाई, ये सोशल मीडिया है, कुछ भाई इसमें एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, यानी कि वो पोल चेक सारे भाइयों ने नहीं किया होगा, जिनके पास जो पेपर भी क्लियर कर लिया, यानी कि जो अभी तैयारी भी कर रहे हैं ना, उन्होंने भी यहाँ पे पोल शेयर कर दिया होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ज्यादा से ज्यादा एक्स ग्रुप के अंदर ना, ज्यादा से ज्यादा 1400 कैंडिडेट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1400 कैंडिडेट्स होंगे, जिनमें से आप स्कोर यहाँ पे देख लो, लगभग 600 कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिनका स्कोर
केवल और केवल 2.5 नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि 2.5 से ज्यादा तो कट ऑफ बढ़ ही नहीं सकती है। अभी ये मत सोचना कि मैंने ये बता दिया 250 को 2.5 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगी, मैं वो बाद में बताऊंगा। अभी बाई ग्रुप की भी एक बार पोल को देख लेते। अब देखो भाई, एक बार मैंने ना बाई ग्रुप का जो पोल है वो आपकी स्क्रीन पर लगा दिया, इसको देखो एक बार। देखो इसमें ना कम लगभग 2165 भाइयों ने पोल किया है, जिसमें से 54% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पोल को चेक किया, यानी कि 1170 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने केवल पोल को चेक किया, यानी कि बाई ग्रुप के अंदर 1000 भाइयों ने यहाँ पे पोल किया है, लेकिन लिटरली मान लेना 1000 भाई है नहीं, लगभग बाई ग्रुप के अंदर 800 कैंडिडेट्स होंगे। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ 200 कैंडिडेट्स भाई यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। और देखिए ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा कि मैं ये कैसे बोल रहा हूँ कि इसमें कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, ये सारा कुछ भी आपको आज की वीडियो में दिखा दूंगा। देखिए अभी एक बार स्कोर को देख लीजिए, यहाँ पे 40.5 से लेकर के 41.25 केवल 0.25 जो स्कोर को इंक्रीज किया है भाई ने। और यहाँ पे कितना स्कोर आ रहा है इसमें आ रहे हैं आपके 240 कैंडिडेट्स। ठीक है, एक नंबर भी अगर कट ऑफ बढ़ेगी ना बाई ग्रुप की तो 200 कितने यहाँ पे देख लो 250 कैंडिडेट्स लगभग एक नंबर में आउट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो 41.50 से लेकर के 43 तक तीन जो है 250 कैंडिडेट 260 के लगभग कैंडिडेट्स हैं। तो अब यहाँ से आप देख लो तो कितने कैंडिडेट्स को आउट कर दोगे भाई, एक नंबर बढ़ेगा ना तो एक जो बाई ग्रुप से 300 कैंडिडेट्स आउट हो जाएंगे और एक्स ग्रुप से 350 के लगभग कैंडिडेट्स आउट हो जाएंगे। अब कितनी कट ऑफ बढ़ेगी ये खुद आप यहाँ के, और देखो ये जो पोल वगैरह है ना वो अगर आपने अभी भी नहीं देखा हो तो आप जाके देख लेना और खुद से एक बार एनालिसिस करके देखना क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मेरा जो चैनल है सोनवीर शर्मा करके, आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे जाकर के पोल मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के इसे देख लेना। ठीक है, अच्छा अब हम एक्स ग्रुप की गर्ल्स कैंडिडेट्स की बात कर ले तो देखो भाई गर्ल्स में तो बात करना और ना करना बराबर ही है, क्योंकि लगभग 130 के गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है और लगभग 100+ ही वैकेंसीज हैं गर्ल्स की। ठीक है, तो गर्ल्स की तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा 1-2 नंबर ही बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो गर्ल्स की तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। लेकिन तो फिर भी मैंने आपको जो बॉयज़ कैंडिडेट्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भाई कितनी वैकेंसीज हैं, कितने को स्टैंड बाई में रखा जाएगा। और देखो आज की वीडियो में और भी सारी बातें आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, बहुत सारे भाई ये पूछेंगे कि भाई कितने कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको ATS बेलगाई पर रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाएगा। देखो भाई मैं कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा या उस भाई को इससे अच्छा लगेगा या उसको अच्छा लगेगा, मैंने भाई लिटरली बता रहा हूँ जो कुछ भी बताया है ना, तो जिन्होंने है जो आपने पोल किया उसी के बेसिस पर बताया है। और इस पर भाई सारे भाइयों ने पोल किया है, मैंने 2-3 बार इसको कम्युनिटी पोस्ट पर भी शेयर किया था, पर्सनली मैंने व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे भाइयों को इसे शेयर किया था और 2-3 वीडियो भी मैंने बना करके भाइयों को बता दी थी कि अपना एक बार स्कोर यहाँ पे जरूर शेयर करो। और जो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था ना कि भाई मैक्सिमम कट ऑफ एक नंबर बढ़ेगी, जो डाटा है उसके बेसिस पर मैंने आपको सारा कुछ बताया है, मैंने अपने एंड से कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है ना, अब देखो मैंने आपको ये भी बता दिया कि बॉयज कैंडिडेट्स की मैं वैकेंसीज की बात कर लूँ ना तो भाई 1700 वैकेंसीज आपकी बॉयज कैंडिडेट्स की होनी चाहिए। देखो श्योर कुछ भी नहीं है, 1700 वैकेंसीज होनी चाहिए जिसमें से 300 कैंडिडेट्स को स्टैंड बाई में रखा जाएगा, यानी कि 2000 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको ATS बेलगाई पर रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाएगा। और ये भी लिटरली मेरी बात को आप मान लेना भाई, केवल और केवल 2100 से 2200 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है। देखो भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे या वो करोगे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाह रहा हूँ भाई, मैं केवल जो बात है ना वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और भाई देखो अगर आपको ये चीज़ मैंने जो डाटा कुछ सारा कुछ बताया है ना, अगर लगे ना कि ये शेयर करना चाहिए डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। और देखो जो मैंने आपको बता दिया ज़्यादा से ज़्यादा भाई 200 से 300 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको डायरेक्टली आउट किया जाएगा, अदरवाइज कुछ को जो है स्टैंड बाई में रखा जाएगा और कुछ को डायरेक्टली जो इनवाइट कर लिया जाएगा यानी कि मेन में रखा जाएगा, उनको ज्वाइनिंग के लिए जाना है भाई। और अभी भी आपको कोई भी डाउट बचा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, जो कुछ भी पोल के बेसिस पर आपने बताया था ना मैंने सारा कुछ आप आज की वीडियो में आपको बता दिया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, चलिए मिलते हैं किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।